हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। चंद घंटों के अंदर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त को गोला थाने की पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल, एसपी साउथ ने दी जानकारी। राजघाट पुलिस ने 2,17,000 नकदी और जेवरात के साथ 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल, सीओ कोतवाली और एसपी सिटी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बुधवार को संपन्न हुई शांति व्यवस्था और अभियोजन समिति की बैठक, अपराधियों पर सख्ती बरतने के दिए निर्देश। 14वें वित्त आयोग के तहत परफॉर्मेंस ग्रांट के तहत जिले के चयनित ग्राम सभाओं के संबंध में मीडिया से रूबरू हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, कहा शासन द्वारा परफॉर्मेंस ग्रांट में चयनित गांवों को मिली कार्य कराने की अनुमति। विजय दिवस पर कांग्रेसियों ने पार्टी कार्यालय पर किया ध्वजारोहण, गाया राष्ट्रगान, जिलाध्यक्ष ने कहा आज का दिन हर भारतीय के लिए है ऐतिहासिक दिन। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बुधवार को संपन्न हुई राजस्व प्रशासन की मासिक समीक्षा बैठक, राजस्व वसूली को बढ़ाए जाने के दिए निर्देश। राजघाट थाने की पुलिस ने एक शातिर शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, अभियुक्त के पास से 40 लीटर अवैध कच्ची शराब, 600 ग्राम नौसादर और 500 ग्राम यूरिया किया बरामद, भेजा जेल। गोरखपुर रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विभाग में विजय दिवस के अवसर पर भविष्य के युद्धों के संदर्भ में भारत की रक्षा तैयारी के संबंध में एक संगोष्ठी का किया आयोजन, छात्र छात्राओं ने रखे अपने विचार। एडीएम फाइनेंस की अध्यक्षता में संपन्न हुई विभिन्न विभागों के राजस्व प्राप्तियों संबंधित बैठक, राजस्व बढ़ाने पर हुई चर्चा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर में बुधवार को मिले 37 नए कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 20,584, अब तक 331 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 389 हुए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। डीवीएनपीजी कॉलेज में रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विभाग द्वारा विजय दिवस के उपलक्ष्य में संगोष्ठी की गई आयोजित, वक्ताओं ने कहा किसी भी देश की युवा पीढ़ी का अपने देश के अतीत की जानकारी होना होता है देश के प्रति महत्वपूर्ण दायित्व। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बलिदानी मेला व खेल महोत्सव आयोजन 2020 की मशाल जुलूस से हुई शुरुआत, हाथों में तिरंगा झंडा लिए भारत माता और भारत वीरों की जयकारों से गुंजायमान हुआ महानगर। विजय दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद और गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय के ब्लड बैंक के द्वारा आयोजित किया गया वृहद रक्तदान शिविर, कहा स्व रक्तदाताओं द्वारा किए गए रक्तदान से मिलता है अनगिनत मरीजों को जीवन दान। और विजय दिवस के अवसर पर भारत नेपाल मैत्री समाज ने कूड़ा घाट स्थित अमर शहीद लेफ्टिनेंट गौतम गुरुंग की प्रतिमा पर किया पुष्प अर्पित, दी श्रद्धांजलि, अध्यक्ष ने कहा सेना के साहस और पराक्रम का प्रतीक है विजय दिवस।